नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट वर्सेस Vivo X70 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.43 इंच जबकि X70 Pro 5G में 6.23 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि GT Neo 3 5G 150 वॉट से कम है। विड्थ की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 2.98 इंच जबकि X70 Pro 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि GT Neo 3 5G 150 वॉट से कम है। बात करें थिकनेस की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 0.32 इंच जबकि X70 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 188 ग्राम जबकि X70 Pro 5G में 183 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 20:1:9 जबकि X70 Pro 5G में 19:8:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.7 इंचेस जबकि X70 Pro 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT Neo 3 5G 150 वॉट में 1080x2412 और X70 Pro 5G में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 87.79% जबकि X70 Pro 5G में 89.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि X70 Pro 5G में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और X70 Pro 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X70 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और X70 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में Mali-G 610 MC6 जबकि X70 Pro 5G में Mali-G 77 MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में MediaTek Dimensity 8100 और X70 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200 MT6893 मिलता है। बात करें RAM की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 12GB की RAM मिलती है जबकि X70 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि X70 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है।
ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में Android V12 जबकि X70 Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी GT Neo 3 5G 150 वॉट में 4500 mAh जबकि X70 Pro 5G में 4450 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 3 कलर्स जबकि X70 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X70 Pro 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 46,990 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 49,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 52,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo X70 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 5G है, दूसरा Xiaomi Mi 10T 5G है, तीसरा Apple iPhone 12 mini है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo Reno 5 Pro 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।